गुड मॉर्निंग, मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज वर्ग 6 के लिए संज्ञा और संज्ञा के विकारी शब्द को पढ़ाने जा रहा हूँ। संज्ञा संसार के जितने भी वस्तु हैं सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जब हम परिभाषा करते हैं तो लिखते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अतः हम पाते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब संज्ञा हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध होता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास नाम जैसे पटना, हिमालय, राम, मोहन इत्यादि। जब उसी में किसी समुदाय का बोध होता है, पूरे समुदाय का बोध कराने वाले शब्द जब आते हैं तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे व्यक्तिवाचक में हमने कहा पटना, तो उसके जगह पर शहर हो जाएगा। हिमालय कहा तो जातिवाचक संज्ञा में उसका पर्वत हो जाएगा, और राम कहा तो उसके जगह पर लड़का हो जाएगा। यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जो हमें पूरे पर्वत, शहर और लड़कों के समुदाय का बोध कराता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा वह होता है जिसमें किसी चीज के भाव के प्रति हमारी जानकारी आती है, हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह यह संज्ञा शब्द जो होता है यह सिर्फ उस शब्द से उसके भाव का बोध कराता है, जैसे लड़का से लड़कपन, बूढ़ा से बुढ़ापा इत्यादि। ये भाववाचक संज्ञा है। अतः हम पाते हैं कि संज्ञा के जो मुख्य 3 भेद हैं वह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यही 3 भेद का नवीन व्याकरण में चर्चा आती है। पुराने व्याकरणों में इसे ही 5 भाग में बांट करके द्रव्यवाचक और समूहवाचक के रूप में पढ़ाया जाता था। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक नए व्याकरण में जातिवाचक के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है, उसी के अंतर्गत हम भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। प्रश्न उठता है, संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन होता है, संज्ञा शब्द को परिवर्तित करता है। तो संज्ञा शब्द में परिवर्तन लिंग के आधार पर आता है, वचन के आधार पर आता है। तो यह लिंग वचन के आधार पर जो संज्ञा शब्द में परिवर्तन आता है इसे हम संज्ञा के विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का को
अगर हम वचन के आधार पर बदलेंगे तो लड़के हो जाएंगे, और लिंग के आधार पर बदलेंगे तो लड़की हो जाएगी। यही सब संज्ञा के शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दो तरह के प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है, उसमें एक विकारी और दूसरा अविकारी आता है। तो यह संज्ञा जो है विकारी शब्द है। संज्ञा ही विकारी नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द है, जिसमें लिंग, पुरुष, वचन और विभक्ति के आधार पर विकार उत्पन्न हो जाता है। यही संज्ञा के विकारी शब्द हैं। पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाया था, अभी संज्ञा और संज्ञा के विकारी शब्द आप इसे अपने पाठ्यक्रमानुसार सीख करके अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का कोशिश करें, क्योंकि यह जो रुके हुए गतिविधियों में आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, इस पर थोड़ा साकांक्ष होकर के हमारी गतिविधियों को आगे ले जाने के लिए हमें सीखने की आवश्यकता है। तमाम उन बातों का निर्वहन करते हुए जिसके लिए हमें भारत सरकार और बिहार सरकार ने निर्देशित किया है, हम अपने पाठ्यक्रम को जारी रखेंगे। धन्यवाद।